अपना यह देश लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री। देश की स्वाधीनता के बाद जब से हमने संविधान स्वीकार किया, उसी समय से देश में एक साथ चुनाव होना शुरू हुए। कंटिन्यू अगर देखे 1967 तक भारत में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन उसके बाद में 67 के बाद यह क्रम बदल गया। विधानसभाओं के भंग होने के कारण से लोकसभा के विधानसभा के चुनाव धीरे धीरे देश में अलग समय पर होने लगे। आज भी अपने देश में 5 विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं, जबकि आने वाले 3-4 महीने के बाद पूरे देश में ही लोकसभा के चुनाव होने हैं, और लोकसभा के चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद फिर कुछ विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। अगर इस सारी कैलकुलेशन को देखेंगे तो मेरे पास जो एक आंकड़ा है, उस आंकड़े में आज भारत में 5 साल के अंदर 1865 दिन में से पिछले साल अगर पूरे एक साल का ट्रैक रिपोर्ट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में 629 दिन चुनाव होते रहे, यानी लगभग आप मानकर चलिए 3.5 साल ही हमारे देश में चुनाव नहीं हुए, लेकिन लगभग 1.5 साल तक कभी किसी प्रदेश के, कभी किसी प्रदेश के, कभी किसी प्रदेश के, इन 5 साल में 1.5 वर्ष हमारा प्रदेशों के चुनाव कराने में, उपचुनाव कराने में, इसी में ही हमारी सरकार का और सबका समय लगा।